कैसे क्या हुआ बताइए। पूरा क्रेक हो गया है, पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी का धार दिखाइए, जो पानी का धार आपके सामने है, देखिए पानी के धार जी। अभी पानी का धार, पानी के धार जो पूरा घर को आकर टकराता है। ध्वस्त होने के कारण ध्वस्त हो ही गया है, निकलते समय के सामने भी पोखरा का सीन हो गया है, या घर के अंदर भी पोखरा का सीन बन गया है। नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। एक आम इंसान को उस समय सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब वो खुद का अपना घर बनाता है। मामूली सी कमाई करने वाला शख्स जब पाई पाई जोड़ कर घर बनाता है तो उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी पहले पैसे जोड़ने और फिर उस घर को तैयार करने में लग जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर घर बनाने के बाद भी अगर आपको सड़क पर जिंदगी गुजारनी पड़ी तो आपको कैसा लगेगा। जिस घर को बनाने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी, अगर वो किसी के लापरवाही से बिखरने के कगार पर खड़ी हो तो आप क्या करेंगे। एक वीडियो है, जरा पहले आप उसे देख लीजिए। नाम मुन्ना शाह है, मुन्ना मुन्मुन कभी भी लोग कहते हैं। मेरा घर लखनपुर गांव में पड़ता है, ग्राम पंचायत है कर्ण कुदरिया, वार्ड नंबर 2 है। ये मकान 2017 में बना है। सारंग तटबंध और जमींदारी तटबंध के टूट जाने से एक बार का पता आ गया है, प्रकोप आया है। आपका घर कैसे क्षतिग्रस्त हुआ? यहाँ हमारे नहर पुल है, सड़क के सामने स्कूल का दबाव ज्यादा हमारे घर पर ही पड़ रहा है, जिससे हमारा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा क्रेक हो गया है, पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है। पानी का धार दिखाइए, जो पानी का धार आपके सामने है, देखिए पानी के धार जी। अभी पानी के धार जो पूरा घर को आकर टकराता है। कोई अधिकारी आपको पूछने आया? अभी तक न कोई जनप्रतिनिधि पूछने आया, न कोई अधिकारी पूछने आया। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं, सारा सामान हमारा घर में ही रह गया है और सभी सामान बेच करके नुकसान हो गया है, कुछ नहीं निकाल पाए हैं हम लोग। सड़क पर टेंट गिरा कर जनप्रतिनिधि आपको पूछने आया? कोई नहीं आया अभी तक। पानी कितना दिन आया हो गया? लगभग 15 दिन आए तक पानी का लगभग हो गया है। 15 दिन में कोई नहीं आया? कोई दिन नहीं, कोई पदाधिकारी न कोई जनप्रतिनिधि। आपके द्वारे के सामने कितना पानी है जी? एकदम डूब जाने भर पानी है, डूब जाने भर पानी है। देखिए बांस का था नहीं लग रहा है। अच्छा, उतना पानी है। चलिए, वहाँ दुबा पानी है द्वारी के सामने, दुबार कोठरी के अंदर भी दुबा पानी हो गया। दरार तो काफी ज्यादा फट गया है, चारों तरफ से हमारे घर में दरार पड़ गया है। दरार तो फट गया है, ध्वस्त होने के दरार पर है। ध्वस्त हो ही गया है, इसमें रहने लायक तो है नहीं घर ना, वहाँ कोई नहीं रह रहा है, कोई रहने लायक है ही नहीं है। हमारी हमारा पशु जो थी वो भी डूब गई थी, उसको हम लोग आनंद फानंद निकाले, पता निकलते समय दरवाजे के सामने भी पोखरा का सीन हो गया है, या घर के अंदर भी पोखरा का सीन बन गया है। पोखरा के सामने हमारी पतुआ इसमें डूब गई थी, जिसका नाम आरती कुमारी है। घर के अंदर डूबने भर पानी, सोचिए, और घर के बाहर का नजारा तो आपने देखा ही। हमारे बिहार का तो रिकॉर्ड ही है, जब तक किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, जब तक किसी की जान ना चली जाए, यहाँ के ना तो कोई अधिकारी किसी की गुहार सुनता है और ना ही कोई नेता उसके घर पहुँचता है। किसी की जान चली जाएगी तो सभी नेता सांत्वना देने पहुँच जाएंगे और सरकार मरने का पुरस्कार लेकर मुआवजा के रूप में देने पीड़ित के पास पहुंच जाएगी, अगर कोई बचा हो तो। गिरने के कगार पर खड़ा यह घर सारण जिला के करण कुदरिया पंचायत के लखनपुर गांव के निवासी एक मामूली से छोटे दुकानदार मुन्ना शाह का है। बाजार में छोटी मोटी दुकानदारी करके कितनी मुश्किल से उन्होंने यह घर बनाया होगा, जरा सोचिए।
सामने जो पुल बना है जिससे निकलने वाली तेज धार की दबाव की वजह से घर टूटने के कगार पर खड़ा है, वो घर बनने के बाद बना है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने पुल निर्माण के समय ही इंजीनियर से यह बात कही थी कि पुल यहाँ नहीं बनाइए, बाढ़ के समय में उनके घर को नुकसान हो सकता है। लेकिन इंजीनियर साहब थे, गरीब की बात क्यों सुनेंगे, उन्होंने बिना कुछ सुने पुल बना दिया। इंजीनियर तो पुल बनाकर चला गया, जिसको भुगतना है अब भुगत रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। जनप्रतिनिधि की बात हम यहां नहीं करेंगे, छोड़िए, नेताओं को तो वैसे भी आपको मालूम है, जहां फायदा ना हो वहां वैसे भी वो नहीं पहुंचते हैं। परिवार जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है, रोजी रोटी का काम तो पहले से ही बंद था, जो घर में था वो भी बाढ़ में बह चुका है। प्रशासन और सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। नेताओं और अधिकारियों के ट्विटर हैंडल पर लोगों को खाना खिलाते पहले से ही बहुत फोटो मौजूद हैं, उन्हें फिलहाल नए फोटो सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नया फोटो सेशन सरकार और अधिकारियों को कराना होगा तो वे कहीं भी कर लेंगे, उन्हें संकट में फंसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बिहार में आए प्रलयकारी बाढ़ जिसमें लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हैं, उसमें से एक व्यक्ति का दुखड़ा है। इनके जैसे ना जाने कितने लोग इस समस्या से अभी गुजर रहे होंगे, उनमें से कितनों की समस्या का समाधान उनकी यह सरकार ने अब तक किया होगा यह तो वही जानते होंगे। हम बस उम्मीद करते हैं कि सरकार तक यह बात पहुंचेगी और पीड़ित परिवार को थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।